दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, पिछली 1 जनवरी से रेलवे ने अपने किरायों में मामूली बढ़ोतरी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से ग्वालियर के बीच में सभी श्रेणी में एसी का 13 रुपये किराया बढ़ा है और स्लीपर कोच में 7 रुपये का अंतर आया है। इसी प्रकार ग्वालियर से भोपाल जाने वाली ट्रेनों के लिए सभी श्रेणी के एसी कोच में किराया 20 रुपये बढ़ा है और स्लीपर कोच में 10 रुपये का अंतर आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर से भोपाल जाने के लिए एसी 1 में अब 1635 रुपये चुकाने होंगे, एसी 2 में 980 रुपये, एसी 3 में 705 रुपये और स्लीपर में 275 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार ग्वालियर से नई दिल्ली जाने के लिए एसी 1 में 1425 रुपये, एसी 2 में 860 रुपये, एसी 3 में 620 रुपये और स्लीपर में 245 रुपये देने होंगे। ग्वालियर से अन्य शहरों के लिए एक्सप्रेस का सामान्य श्रेणी का किराया भी मामूली रूप से बढ़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर से दिल्ली जाने के लिए पहले 120 रुपये देने होते थे, अब 130 रुपये देने होंगे। ग्वालियर से निजामुद्दीन 125 रुपये, ग्वालियर से भोपाल के लिए पहले 140 रुपये थे, अब 150 रुपये हो गए हैं। ग्वालियर से हबीबगंज 150 रुपये, ग्वालियर से मथुरा 85 की बजाय 90 रुपये, ग्वालियर से आगरा 70 की स्थान पर 75 रुपये, ग्वालियर से श्योपुर 45 रुपये देते थे, अब 50 रुपये देने होंगे। ग्वालियर से मुंबई के लिए 310 रुपये लगते थे, अब 335 रुपये लगेंगे। एक और जानकारी के अनुसार शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में फ्लैक्सी फेयर जारी रहेगा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी लिफ्ट अब शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए नए साल के पहले दिन लिफ्ट की सुविधा मिल गई। लिफ्ट की ट्रायल पिछले दिनों रेलवे के इंजीनियरों के साथ अधिकारियों ने की थी। इसके बाद सुबह 9 बजे प्लेटफॉर्म 2 पर लिफ्ट यात्रियों के लिए शुरू हो गई। इससे पहले 4 दिसंबर को प्लेटफॉर्म 4 की लिफ्ट भी शुरू हो चुकी है। इसके चलते अब यात्रियों को प्लेटफॉर्म 4 के साथ साथ 2 पर भी लिफ्ट की सुविधा मिल गई है। रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का काम पिछले कई वर्षों से अधूरा पड़ा है। कई बार DRM के साथ अन्य अधिकारियों से भी इसको लेकर शिकायतें की गई हैं, लेकिन यह काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। अभी नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर भी लिफ्ट शुरू होनी है, इसके लिए इन दिनों काम किया जा रहा है। ये काम कब पूरा होगा ये बताने की स्थिति में कोई अधिकारी नहीं है। एक बहुत बड़ी खबर ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के तहत आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्योपुर जिले में भी धरातल पर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जिले में 38 गांव की 100 हेक्टेयर सरकारी जमीन रेलवे को आवंटित कर दी गई है और निजी जमीन की अधिग्रहण के लिए भी सूचना जारी हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट श्योपुर ग्वालियर ब्रॉडगेज लाइन का काम अब श्योपुर जिले में भी जल्दी ही धरातल पर शुरू होने का रास्ता दिखने लगा है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जिले के 38 गांवों में 100 हेक्टेयर सरकारी जमीन रेलवे को आवंटित कर दी है। 44 गांव की निजी जमीन के अधिग्रहण के भी कागज तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर से श्योपुर तक लगभग 200 किलोमीटर के ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए मुरैना जिले में काम शुरू हो चुका है। वहीं श्योपुर जिले में भी अब जल्दी ही धरातल पर काम शुरू होने की उम्मीद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 गांवों में लगभग 117 हेक्टेयर सरकारी जमीन प्रशासन द्वारा रेलवे को दे दी गई है। जिले में धरातल पर कार्य शुरू करने के लिए रेलवे के झांसी से चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में इंजीनियरों का एक दल पिछले दिनों श्योपुर पहुंचकर साइट देख चुका है, जिसमें निर्माण शाखा का ऑफिस खोलने के साथ ही वर्तमान नैरोगेज रेलवे स्टेशन की जमीन अतिक्रमण आदि की स्थिति का मौका मुआयना कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरैना जिले में कुछ क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। वहाँ बामोर के पास धरातल पर निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे के ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के लिए सरकारी जमीन की कार्रवाई के बीच निजी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
जिले के 44 गांवों में कुल 172 हेक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण होना है। इस प्रक्रिया के साथ ही अब जिले में सरकारी और निजी जमीन के प्रकरणों की तैयारी करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उम्मीद है कि जल्दी ही यहाँ के नागरिक ब्रॉडगेज लाइन पर रेल सेवा को शुरू होते हुए देख पाएंगे। हमारा अगला अपडेट जबलपुर अटारी एक्सप्रेस के बारे में है। विशेष बात यह है कि 01707 जबलपुर से प्रति मंगलवार को चला करेगी और ये ट्रेन वाया बिना मालखेड़ी होते हुए आया करेगी। दूसरी ट्रेन 01709 जो प्रति शनिवार को जबलपुर से चलेगी वो भोपाल और बीना होते हुए आया करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 01707 प्रति मंगलवार को जबलपुर से चलेगी और 01708 प्रति बुधवार को अटारी से चला करेगी। इसी प्रकार 01709 प्रति शनिवार को जबलपुर से चलेगी और 01710 अटारी से प्रति रविवार को चला करेगी। दोनों ही ट्रेनों का ग्वालियर आने का जो समय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो जबलपुर से चलकर अटारी की तरफ जाया करेगी वो 17:40 पर आया करेगी और जो अटारी से जबलपुर जाएगी वो 7:28 पर सुबह आया करेगी। इसी प्रकार गाड़ी की संरचना में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। दौरान यात्रियों को होने वाली थकान दूर करने के लिए रेलवे स्टेशन के एसी वेटिंग रूम में जल्द ही मसाज चेयर लगाई जाएगी। रेलवे यह सुविधा पीपीपी मॉडल के तहत शुरू कर रहा है। इससे रेलवे की आय बढ़ेगी और यात्रियों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा जल्दी ही उपलब्ध होने वाली है। रेलवे स्टेशन के एसी वेटिंग रूम में लगने वाली बॉडी मसाज चेयर पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक होगी। इसके संचालन के लिए किसी भी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होगी। कर्मचारी की तैनाती सिर्फ इसका किराया लेने के लिए होगी। स्टेशन के वेटिंग रूम में लगने वाली मसाज चेयर का किराया उक्त कंपनी रेलवे को 1 साल का 1 लाख रुपये देगी। बिजली व अन्य खर्च रेलवे कंपनी से अलग से वसूलेगा। यह मशीन 24 घंटे काम करेगी। इसका प्रति व्यक्ति किराया अभी तय नहीं किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाएगा और अगर कोई कमी दिखी है तो आपकी आलोचना हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें इस कामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे। मैं विजय कार्तिक शर्मा अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।